तेरा मन जाएगा वहाँ। मानव जन्म का बौद्धिक विकास में जो मानव की खामा में दो भाग शास्त्र में कहा गया है, उनका जो पशु पुत्र पौत्र आयु आरोग्य सबके वृद्धि के बारे में और उनका जो अनिष्ट है या भी क्षय दुर्भिक्ष शत्रु रोग वो सबसे निवृत्ति के लिए मनुष्य तो आहार निश उसका प्रवृत्ति में प्रवर्तमान होते ही रहते हैं। उस समय पर जितना उनकी बुद्धि से नहीं तो उनके शरीर प्रक्रिया से और जितने लोग हैं दुनिया में जो पढ़ाई से और तपस्या से जितने लोग बने हैं उन सबके माध्यम से जितने वो कर रहे हैं वो सब तो बहुत कुछ परिमित होता है, नहीं तो कुछ जगह में उनका असंभव होता है और कुछ जगह में तो अतृप्ति होती जाती है। इसलिए जो इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो नित्य प्रवर्तमान है उनकी जितनी प्रवृत्ति है वो सब में तो एक सीमा है, वो सीमा के पार में वो नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्र में बोला दृष्ट प्रयत्न अदृष्ट प्रयत्न, जो हम हमारी बुद्धि से ये करना है नहीं करना कब करना कैसे करना किससे करना ये मिलने के समय में कैसे इसको लेना कैसे संभालना इसमें जो यांत्रिक पद्धति है और इसमें जो तांत्रिक पद्धति है आधुनिक युग में बोलते हैं टेक्निकल फैसिलिटी बोलते हैं वो तो यांत्रिक पद्धति यांत्रिक सहायता से करते हैं और बुद्धि का उपयोग से करते हैं और कोई आदमी का सहाय से करते हैं हम इसको उठा सकते हैं और इससे बड़ा कुछ उठाने के समय में दो तीन आदमी का सहयोग हमको चाहिए और इससे बड़ा कुछ उठाने के समय में एक यंत्र जो उद्धारक यंत्र का उपयोग हमको चाहिए। इस आदमी उनका जो बुद्धि का परिणाम और उनका शरीर प्रक्रिया में जो बल है उससे काम करता है और वो जैसा जो मनुष्य लोग हैं सहयोग के लिए उनकी सहायता से कुछ कर रहे हैं ये दोनों जहाँ असंभव है अतृप्त है अपार है उस समय में यांत्रिक बल से वैज्ञानिक बल से काम कर रहा है फिर भी वो सबके लिए एक परिमिति है एक सीमा है। वो सब तो दृष्ट प्रयत्न हमारा आंखों से हमारा इंद्रियों से जिसका आगमन हो रहा है इसका प्रक्रिया में हम नियत प्रयत्नमान है वो सब तो दृष्ट बल है नहीं तो दृष्ट प्रक्रिया है वो। इससे जो पार है अतीत है वो सबको अदृष्ट प्रक्रिया बोलते हैं जिसमें महर्षियों महानुभाव जो दृष्ट है वो इंद्रिया संबंधित है इंद्रिय नैकट्य में जो जाता है वो तो दृष्ट है जिसको हम नहीं समझ सकते जिसका फल हम नहीं देख सकते हैं और जो फल की अनुभूति हमारी दिव्य दृष्टि से नहीं तो भगवान की कृपा दृष्टि से हमारे ऊपर यदि वो होगी हम कुछ उसका समझने में कुछ कोशिश करें वो सब विषय को अदृष्ट बोलते हैं। अदृष्ट समझने के लिए हमको दिव्य पदार्थ का सन्निवेश होना चाहिए सान्निध्य होना चाहिए केवल इंद्रिय सन्निवेश से ये दृष्ट बल के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी लेकिन इंद्रियाधीत अप्राकृत दिव्य मंगल सर्वार्थ फलप्रद विषय में भगवत संबंधित विषयों में जानकारी होने के लिए भगवत प्रसाद की रुचि जाने के लिए ये रसना से ये जीवा से नहीं हो सकता है उसको दूसरी कुछ शक्ति होना चाहिए। जैसे कीड़ों का दर्शन के लिए ये आँख का आवश्यक तो बहुत कम है ये आँख से दूसरा एक सूक्ष्म दर्शनी के द्वारा वो कीड़ा को देखना सके जिससे कीड़ा का दर्शन हमको बराबर मिलेगा। ऐसा तो दिव्य दृष्टि से दिव्य श्रवण शक्ति से दिव्य रसन शक्ति से ध्यान शक्ति से दिव्य स्पर्श से ही पंचेंद्रियों से जो अतीत है प्राकृत दिव्य मंगल वो अनुभूति को मिलने के लिए आचार्य संबंध और खुद हमारा अंतर्यामी का संबंध और भगवत अनुग्रहित भागों का जो जितने भक्त लोग हैं संत लोग महंत लोग उन सबका अनुग्रह का ईषद वीक्षण का जो पात्रभूत होते हैं कटाक्ष का उनको ही वो मिल सकता है। इसलिए तो हम इतने आदमियों को ढूंढ रहे हैं जैसा ये रोगी लोग जो रुग्ण है वो वैद्य के लिए ढूंढ रहे हैं वो पैसा के लिए जो भी दुख में बैठा हुआ है वो धन के पास जा रहा है जो अनीति से बाधित है वो धार्मिक के पास तो पीछे जा रहा है वैसा ही जो दिव्य दृष्टि के लिए भगवान की दिव्य दृष्टि से जो जो मंगलमय प्रवृत्ति और प्रगति हमारा आध्यात्मिक और हमारी शारीरिक यात्रा में सब हो सकती है वो सबको प्राप्त करने के लिए बहुत लोग अभी आजकल ढूंढ रहे हैं वो सही आदमी मिलना चाहिए वो मिलेगा तो उनको हम समझना चाहिए और समझेंगे तो उनके पास होना चाहिए उनके पास होंगे तो बुद्धि में स्थिरता मिलना चाहिए स्थिरता है तो मिलना चाहिए लेकिन परंतु यदि हम विद्युत बिजली को हम पकड़ेंगे
हम फिर यदि उसको पकड़ने के बाद इसको हम निकलना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, फिर भी वो पिछली हम पकड़ने के बाद हमको नहीं छोड़ेगी। वैसे भी भगवत शक्ति एक बार अज्ञान से, ज्ञान से, परिपूर्ण मन से, अपूर्ण मन से, आकांक्षा से, कुछ उपयोग से, निष्काम्य मन से या तो सकाम्य मन से एक बार भगवत पदार्पण एक बार तो किया। तो यदि हमारा साक्षात मन से करते, नहीं तो संकल्प का रूप में आचार्यों के द्वारा, नहीं तो शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वो किया जाता है। यदि हमारे दिल से करते हैं, नहीं सिर्फ वचन के लिए बोलते हैं, जो आप समझ के बोलते हैं, फिर भी एक बार जो किया है उसका अर्थ तो अमोघ है, वो तो सचमुच हमको फलदायक भी है। इसलिए एक बार ही करना चाहिए। एक बार और करेंगे तो फिर हम छोड़ने के बाद भी वो हमको नहीं छोड़ेगा। जितने जन्म भी हो, हमारा पापावासनों को निर्ध्वंसन करके, निर्मूलन करके फिर हमको पकड़ के एक दिन में उसको पराभाग होगा। इससे हम तो अभिवृद्धि में, उन्नति में, आत्मा प्रगति में चल जाएंगे। निरंतर मुक्ति और शाश्वत मंगल कल्याण गुणमय परमानंद, जो ब्रह्मानंद बोलते हैं, उसके ऊपर हम बैठे रहेंगे हमेशा। वो नित्य लाभ जो हमको मिल जाएगा। इसलिए एक बार एक दृष्टि एक आदमी के ऊपर ईश्वर बिंदु मात्र तो होना ही चाहिए, शास्त्र का निर्बंध है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं अदृष्ट उपाय हवन से करना। हम जानते हैं यदि हमको एक बेटा चाहिए, वो बेटा चाहिए तो शारीरिक प्रक्रिया तो बहुत है, और आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, और योगिक की प्रक्रिया है, योग से, आयुर्वेद से, अभ्यास से, हमारी कामना से तो कर सकते हैं। जैसे जानवर लोग भी बच्चे बाल बूट के साथ ही रहते हैं ना, वैसा हम भी कर सकते हैं। लेकिन संकल्प पूर्वक एक सुपुत्र होने के लिए तो अदृष्ट फल, अदृष्ट सहायता भी होना चाहिए। इसके लिए तो धन धान्य पशु पुत्र आयु आरोग्य पत्नी वर्धन क्षेम राज्य काम दृष्टि समाज गौरव ये सब जो दिव्य संधान है वो सब हमको मिलने के लिए अदृष्ट सहाय होना चाहिए। अदृष्ट सहाय की परंपरा ऐसी ही है, हमको होना चाहिए मंत्र बल। मंत्र बल देने वाला तो क्रतु है, क्रतु का पुरोहित है, पुरोहित के लिए आचार्य है, आचार्य के लिए वेद श्रुति है, श्रुति के लिए देवता है, और देवता के लिए परमात्मा है। ये तो हमारी अदृष्ट परंपरा है। इसलिए मंत्र में विश्वास होना चाहिए। मंत्र विश्वास से हमको क्रिया विश्वास होगा, क्रिया विश्वास से एक पुरोहित नहीं तो एक पंडित वैदिक का सहयोग मिलेगा। जब वैदिक आचार में हमको प्रतिपत्ति होती है, उससे धीरे धीरे पाप निकाल के हमको एक सदाचार्य का संबंध होगा, जो हमारा शरीर यात्रा के लिए वो मार्गदायक है, मार्गदर्शी भी है। फिर उनसे धीरे धीरे जो हमारे सामान्य मार्गदर्शक, उनसे हम धीरे धीरे ज्ञान लेके शनै शनै ही हमारा आध्यात्मिक वृद्धि के लिए जो मार्गदर्शक है उनको पदध्वंद है, उनका जो पदक छाया है, उनका जो पद स्मरण है, उसमें हम धीरे धीरे चल जाएंगे। इसलिए मंत्र, मंत्र से क्रतु, क्रतु से क्रतु संबंधित वैदिक, वैदिक से आचार्य, आचार्य से देवता, देवता से परमात्मा, ऐसा एक प्रक्रिया है, इसको अदृष्ट प्रक्रिया बोलते हैं। हमारा दिव्य संप्रदाय में जिसमें जो वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें अनन्य भक्ति, अव्यवचारिणी भक्ति तो मूल धर्म है, समस्त देवतात्मक परमात्मा का स्मरण ही करेंगे, दूसरे देवता का आराधना तो नहीं है। इसलिए बाकी लोगों के लिए देवतांतर्यामी परमात्मा, और हमारे लिए तो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा हमारा आराध्य है, उपास्य है। इसलिए सब लोगों को यह परंपरा है, मंत्र क्रतु ब्राह्मण वैदिक आचार्य ऋत्विक पुरोहित होता, ये सब तो एक संप्रदाय है, जिससे देवता और देवता